नमस्कार, पूनम पांडे। जैसे ही ये नाम सुनाई देता है लगता है जैसे फिर कुछ विवाद हो गया है। एक्ट्रेस पूनम पांडे न सिर्फ अपनी बोल्ड अदाओं बल्कि अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। मुद्दा कोई भी हो, पूनम की टिप्पणी देर सबेर आ ही जाती है। पूनम को भले ही देश की ज्यादातर जनता सीरियसली ना लेती हो, लेकिन उनके फैंस के लिए उनका हर बयान काफी मायने रखता है। हाल फिलहाल तो मैडम राजकुंद्रा कॉन्ट्रोवर्सी पर अपने स्टेटमेंट को लेकर लाइमलाइट बटोर रही है। इसी बीच एक्ट्रेस का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है। ये बयान है साल 2016 का। ये वो दौर था जब एक्ट्रेस ने खुद को किसी भी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रखने की बात कही थी। पूनम पांडे ने ऐलान कर दिया था कि अब वो खुद को हर तरह के विवाद से दूर रखेंगी। साल 2016 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म वीरप्पन के प्रीमियर पर एक्ट्रेस ने कहा था, मेरी फिल्म की अनाउंसमेंट मैं करने वाली थी बल्कि इसी हफ्ते, इसलिए शांत थी। सोचा क्यों ना थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी से एक स्टेप बैक ले लूं। सती सावित्री नहीं हूं क्योंकि ये मुझे सूट नहीं करता। भले ही पूनम का ये बयान काफी पुराना हो, लेकिन जब से राजकुंद्रा विवाद पर उन्होंने अपनी राय रखी है, तब से कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर उनके पुराने बयान साझा करने शुरू कर दिए हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं। और उन्हीं में शामिल है ये एक बयान जिसमें पूनम कह रही है कि वो सती सावित्री नहीं है, ये उन पर सूट नहीं करता। बता दें, राजकुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पूनम पांडे ने भी अपनी राय रखी थी। एक्ट्रेस ने शिल्पा शेट्टी के प्रति अपनी सहानुभूति जताई थी और दूसरी तरफ राजकुंद्रा के खिलाफ की गई शिकायत का खुलासा किया था। उन्होंने कहा, इस वक्त मेरा दिल शिल्पा शेट्टी और उनके बच्चों के लिए दुखी है। मैं सोच भी नहीं सकती कि शिल्पा किन हालातों से गुजर रही होंगी, इसलिए मैं इस अवसर का इस्तेमाल अपना ट्रॉमा हाईलाइट करने के लिए नहीं करूंगी। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि साल 2019 में मैंने राजकुंद्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी के साथ राजकुंद्रा के खिलाफ चोरी और फ्रॉड का बॉम्बे हाईकोर्ट में केस दर्ज कराया था। अभी ये मामला कोर्ट में है, इसलिए मैं इस पर कम बात करना चाहूंगी। मुझे अपनी पुलिस और न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है। तो देखा आपने, हमेशा विवादों में रहने वाली पूनम पांडे कैसे एक वक्त पर विवादों से दूर रहने की कसम खाने लगी थी। आपका पूनम के इस वायरल बयान पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।